यात अवमान होण्यासारखं काय आहे? कोणीतरी मूर्ख व्यक्ती प्रसिद्धीसाठी किंवा कोणीतरी प्रायोजित केलेली व्यक्ती आमच्या विरुद्ध कोर्टात दाखल करताच खटले न्यायालयात तारीख पे तारीख आहे की नाही हे स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेच काल सांगितलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था सुद्धा तारीख पे तारीख अशा पद्धतीनं होऊ नये स्वतः चंद्रचूड साहेबांनी व्यक्त केलेली खंत आहे. आजच निकाल आलेला आहे की आमदार खासदारांचे जे न्यायालय त्यांच्यावर खटले चालवणारे त्यांनी त्वरित निर्णय घ्यावेत, निकाल द्यावेत. त्यांनी सुद्धा तारखांवर तारखा टाकू नयेत. हे या देशातल्या न्यायव्यवस्थेचं दुर्दैव आहे की सामान्य माणसाला तारखांवर तारखा तारखांवर तारखांच्या चक्रव्याहात अडकून न्याय मिळत नाही. याच्यावरती जर माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी खंत व्यक्त केली असेल तर काय बिघडलं? माननीय बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा शिवतीर्थावरच्या अनेक सभातून याच्यावरती त्यांनी कोरडे ओढलेले. त्यांनी कोणावरती व्यक्तिगत टीका टिप्पणी केलेली नाही आहे. हे कोणाची तरी पिलावळ असते ते आमच्या विरुद्ध याचिका घेऊन जातात, काय हरकत नाही, घेऊन जाऊ द्या ना. त्यामुळे एका सामाजिक आणि राष्ट्रीय प्रश्नाला वाचा फुटेल. सर, इलेक्शन कमिशन ने सुनवाई की कल और किसकी सुनवाई थी? एनसीटी के लिए. अच्छा, से कहा गया कि ये जो 20,000 एफिडेविट दिए हैं ये बोगस है और बोगस कागज दिए जा रहे हैं अजीत पवार की तरफ से, क्या कहा? बात ऐसी है, दो मामलों की सुनवाई चल रही है या खत्म हो गए. एक तो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो पवार साहब की है. शिवसेना का निर्माण किया था बाळासाहेब ठाकरे जी ने, आदरणीय शिवसेना प्रमुख, और उनका नेतृत्व कर रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब. अगर आप पाकिस्तान में जाकर पूछेंगे कि शिवसेना किसकी है तो पाकिस्तान वाले कहेंगे शिवसेना ठाकरे साहब की है, बाळासाहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे. लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं कि शिवसेना किसकी है. इस देश का बच्चा बच्चा जानता है शिवसेना किसकी है, ठाकरे साहब की है. लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई एकनाथ शिंदे है जिनके पास 40 MLA है वो शिवसेना के मालिक है. वैसा ही है पवार साहब के साथ. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया है पवार साहब ने. जब ये सुनवाई चल रही है तो पवार साहब सामने बैठे रहते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने. जिसने पार्टी बनाई वो सामने बैठे हैं और फिर भी इलेक्शन कमीशन को ये शंका है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है. एफिडेविट के ऊपर पार्टी बनती है क्या? एफिडेविट देकर पार्टी बनाई थी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस? नहीं, ये बोगस एफिडेविट लेकर आते हैं. शिवसेना के मामले में यही हुआ, अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मामले में ये हो रहा है. बोगस एफिडेविट के आप निर्णय देते हो, अब निर्णय देंगे. ये बात सही है, जनता तय करेगी पार्टी किसकी है. अब इलेक्शन कमीशन ने अधिकार खो दिया है कि लोगों का विश्वास नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर. सर, आपने तोते की बात की जिसके पास, अरे तोता ही है ना, पर झड़ गए, पिंजरे में बंद किया है तोता सरकार ने. ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए तोते हैं सब. हाँ, उनके सभी झड़ गए हैं, पल और पल सब झड़ गए हैं. हाँ, वो क्या न्याय निर्णय और न्याय देंगे? सर, वस्ती गृह ने डिफेमेशन का केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बारे में कहा, अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा गया कि क्या है ये समझ लीजिए. उद्धव ठाकरे साहब ने यही कहा है ना, न्याय कहाँ मिलता है, तारीख पे तारीख में ही न्याय मर रहा है ना. इस देश की सामान्य व्यक्ति न्यायालय में जाकर क्या न्याय ला सकती है? उनको जो न्याय चाहिए उसमें गलत क्या है? खुद हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने कहा है 2 दिन पहले, सर्वोच्च न्यायालय के अभी तारीख पे तारीख, तारीख के तारीख न्यायालय मत करिए. उसका मतलब क्या है? ये लोगों की भावना है. ये उद्धव ठाकरे साहब ने शिवाजी पार्क के दसरा रैली में अगर व्यक्त की है उसमें गलत क्या है? हम सब बोलते हैं उस बारे में. गिनीज रिकॉर्ड बना गया है सेल्फी लेने के लिए मेरा माटी मेरे देश कैंपेन में, और कल इसी प्रोग्राम में सर्टिफिकेट देने के लिए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री गए. यही तो है, सेल्फी पार्टी बन गई है ना. कुछ प्रधानमंत्री सेल्फी लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, ये सेल्फी पार्टी बन गई है. ये सेल्फी नहीं, ये सेल्फिश पार्टी है. क्या सेल्फिश? जो सेल्फिश पार्टी होती है स्वार्थी, वो सेल्फी लेने में ही मजा लेते हैं और क्या है. ये सेल्फिश पार्टी ना चाइना के ऊपर बात करेगी, ना मणिपुर के ऊपर बात करेगी,
लड़ाख में चाइना घुस गया उसके ऊपर बात नहीं करेगी, जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग चल रहा है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सेल्फिश पार्टी है, सेल्फी भी है और सेल्फिश भी है। चलिए थैंक यू। मध्य प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए गए हैं देवेंद्र फडणवीस, क्या कहना चाहेंगे? करने दो ना, और काम क्या है? महाराष्ट्र सरकार कहाँ है? महाराष्ट्र सरकार में और राज्य में एक प्रकार की अराजकता है, और जहाँ वो प्रचार में जा रहे हैं वहाँ बीजेपी नहीं जीतने वाली है। आप लिख कर लीजिए, बीजेपी हार रही है चार राज्यों में, पांच राज्यों में। चलिए थैंक यू। सर, उप मुख्यमंत्री गेलेले आहेत मध्य प्रदेश मध्ये प्रचारासाठी, काय वाटतं आपल्याला? आणि महाराष्ट्रातून देखील जोर लावला होते पाच राज्याची निवडणूक, काय निकाल काय लागेल, काय अपेक्षित आहे? जो निकाल 2024 साली महाराष्ट्रात लागणार आहे, भाजपचा दारुण पराभव, तोच हेच नेते तिकडे जाऊन काय प्रचार, यांना कोण विचार? महाराष्ट्र सध्या कोणी विचारत नाही। मध्य प्रदेश मध्ये भारतीय जनता पक्षाचा पराभव होता, लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे महाराष्ट्र वाऱ्यावर सोडून ज्या पद्धतीने आपले सगळे भाजपचे मंत्री उपमुख्यमंत्री नेते हा वाऱ्यावरची वरात जे करतायत, त्या वरातीतल्या घोड्याला आपल्याला निकाल लागला होती कळेल किती मागे पडल्या वरातीतला घोडा, तो उगाच कशाला घोडा नाचवता है। सर, राइटर जावेद अख्तर ने एक सबसे बड़ी बात कही है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि राम जो है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, वो इन सबका है, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस राम जन्मभूमि में मेरा जन्म। देखिए, जावेद साहब को मैं पहचानता हूँ, जावेद अख्तर साहब सबसे पहले वो सेक्युलर राइटर है, अपनी बात बहुत ही बेबाकी से सामने रखते हैं। मैंने भी कल उनका भाषण सुना है, शिवाजी पार्क में जो भाषण किया था, और इस देश के मन की बात कही है, विश्व के मन की बात कही है। राम इस देश के अस्मिता का एक प्रतीक है और वो सभी का है। जो भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, परमेश्वर होते हैं, जो मानवता के बारे में काम और विचार देते हैं, वो सबके होते हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने यही बात रखी है, उसमें गलत क्या है? उनका स्वागत करना चाहिए। चलो थैंक यू। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।